हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है। और टैली प्राइम में जैसा कि जानते हैं कि बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा बहुत हम सीख रहे हैं, तो अब हमको आज का टॉपिक जो है क्लोजिंग स्टॉक समझना है। ये क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है? देखिए, टैली सॉफ्टवेयर जो है बिजनेस के पर्पज से बनाया गया है। आप की एक शॉप है जहां आपने टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है, और शॉप में आप कहीं से परचेस करके सामान लाते हैं और कुछ कीमतें बढ़ा करके उसे बेचते हैं, तो आपको जो प्रॉफिट होता है उसी प्रॉफिट के लिए आप काम करते हैं, ठीक है? यानी आप सेल करते हैं उसको। तो होता क्या है कि महीने के, अब देखिए महीने नहीं लेंगे यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक कब हम देखते हैं, देखने का टाइम कब होता है क्लोजिंग स्टॉक के? तो देखिए, 1 अप्रैल को शुरू होता है हमारा बिजनेस, जो कि इंडिया में हमारा चलता है। अब यूएई की बात नहीं कर रहा, यूएई में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का होता है फाइनेंशियल ईयर, इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। तो 1 अप्रैल को हमारा काम शुरू हुआ। अब काम जब से शुरू हुआ हो, 1 अप्रैल से ही फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और 31 मार्च को एंड हो जाता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में आपने क्या खरीद बिक्री किया है? जैसे खरीद के लाए, सपोज कीजिए आप कंप्यूटर का शॉप है, कंप्यूटर का, और आप वहां पे एलईडी एलसीडी और सीपीयूज वगैरह रखते हैं। तो सपोज कीजिए कि आपके पास 100 स्टॉक था, ठीक है? कितना था? 100 स्टॉक आपने परचेस करके ले आए और आपने 60 से 70 स्टॉक आपने बेच दिए, ठीक है? कब तक बेच दिए? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, यानी 31 मार्च अगले साल तक आपने 70 स्टॉक बेच दिए। आपके पास कितना बचा? 30। तो ये आपका जो 30 स्टॉक बचा हुआ है, यही आपका क्लोजिंग स्टॉक बन जाता है, ठीक है? और जब अगला साल फिर स्टार्ट होता है, मतलब कि 1 अप्रैल फिर से स्टार्ट होगा, तो वो 1 अप्रैल के दिन बन जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक, ठीक है? ओपनिंग स्टॉक यानी कि फिर उसको अगले साल ले जाएंगे हम, ट्रांसफर करेंगे अगले साल में और ले जाकर उसको बेचेंगे, ठीक है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब इसको बैलेंस शीट में कहां जाकर देखेंगे? तो ये देखिए, ये हमारा बैलेंस शीट है। गेटवे ऑफ टैली पे आपको रहना है, और गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए यहां पे एंटर प्रेस कर दीजिए बैलेंस शीट पे आके। तो यहां पे आपको दो सेक्शन दिखाई पड़ेंगे, एक लाइबिलिटी और दूसरा एसेट, ठीक है? अब ये लाइबिलिटी वाला सेक्शन जो है, यहां पर आ जाते हैं। लाइबिलिटी वाले के बारे में बाद में बात करेंगे, अब यहां पे आते हैं जो आज का टॉपिक है। तो यहां पे एसेट वाले में आएंगे। एसेट का मतलब होता है संपत्ति। तो यहां पे करंट एसेट दिखा रहा है और अमाउंट भी दिखा रहा है, ठीक है? इस पर एंटर प्रेस करता हूं। तो जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो ये बता रहा है कि कैश इन हैंड कितना है और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ठीक है? तो जो सामान बिकने से रह गया है वो होता है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है? अब एंटर प्रेस कर देता हूं। यहां पर आपको पूरा डिटेल दिखाई पड़ेगा कि क्या क्या बचा हुआ है, कितना कितना और कितने रुपए का बचा हुआ है। तो यहां से अल्ट के साथ पी प्रेस कर दीजिए। बॉस ने कहा कि क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल बताइए। तो यहां पर सबसे पहले आपको करना क्या है, क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल जैसे ही वो पूछेंगे तो यहां पर डेट चेंज कर लीजिएगा। अल्ट के साथ F2 प्रेस करता हूं, यहां पर आ जाएगा 1 अप्रैल 2020 से 31/3/2021 तक का पूरा डिटेल मैं देख रहा हूं। तो ये यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आ चुका है, देख सकते हैं आप, जो भी बिका हुआ हो, आई डोंट नो। यहां पर आते हैं तो यही सब बचा हुआ है। अब इसको यहां से अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए, और यहां से आई बटन पे क्लिक करके और ये अपने बॉस को दे दीजिए, दिखा दीजिए कि ये चीजें हमारे यहाँ बची हुई है। तो इस तरीके से आप क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल निकाल करके और अपने बॉस को दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्लोजिंग स्टॉक आपको समझ में आ गया होगा कि ये होता क्या है और कहां से बैलेंस शीट में जाके देखेंगे, ठीक है? यहां पर कैश इन हैंड भी दिया हुआ है, तो कैश इन हैंड क्या है, कैसे है, वो यहां पर देख सकते हैं आप। तो उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।